हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपके साथ तंदूरी मशरूम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए मशरूम्स, दही, ग्रीन कोरिएंडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रोस्टेड बेसन, मस्टर्ड ऑयल, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और ये हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, रेड चिली पाउडर, आमचूर, अजवाइन। सबसे पहले एक बड़े से बॉल में दही ऐड करेंगे। और इसमें हम रोस्टेड बेसन ऐड करेंगे, ग्रीन कोरिएंडर ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, आमचूर और अजवाइन। मैंने हल्दी पाउडर ऐड नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया था ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, जिसको मैंने पहले ही स्मोक कर लिया था। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैं इसमें फूड कलर ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम मशरूम को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अच्छे से मैरिनेट होने के लिए हम इन्हें छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अभी हम हमारे स्क्यूअर जो है रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हम मशरूम्स को स्क्यूअर में लगाएंगे। इसी तरह से हम अपने सारे स्क्यूअर जो हैं रेडी कर लेंगे। अभी हम इनको कुक करेंगे पैन में। पैन में हम ऑयल लगा लेंगे, ऑयल या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हॉट ही रखा है और ऐसे हम सभी स्क्यूअर इसमें रख देंगे। और इनके ऊपर भी ऑयल या बटर स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसे ओवन में भी कुक कर सकते हैं और इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। इस साइड भी ऑयल लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इनकी साइड जो है चेंज करते रहेंगे। अब मैं इनको डायरेक्ट फ्लेम पे कुक करूंगी।
ऐसे आप बहुत ही केयरफुली इसको फ्लेम पर कुक कर सकते हैं। ये हमारी मशरूम अच्छे से कुक हो चुकी हैं। इसी तरह से बारी बारी पैन से हम सभी स्क्यूअर्स को इसी तरह फ्लेम पे कुक कर लेंगे। ये हमारे मशरूम रेडी हैं फ्रेंड्स। अभी हम इन्हें सर्व करेंगे टोमेटो केचप एंड मिंट सॉस के साथ। बहुत ही टेस्टी मशरूम टिक्का बना है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और नई नई रेसिपीज़ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।